जब मैं 13 साल का था तब मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उनको 4 स्टेज कैंसर था। उनकी हालत बदतर और बदतर होती जा रही थी। तभी एक औरत उनसे आकर मिली। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह तुम्हें बचा सकता है। उस औरत ने मेरी माँ को बाइबल दी। मेरी माँ ने पढ़ना शुरू किया कि यीशु कैसे लोगों को चंगा करता है, आज़ाद करता है। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन्होंने प्रार्थना की, अगर परमेश्वर तू असली है तो मुझे चंगा कर। तभी मेरी माँ ने खुली आँखों से एक विज़न देखा, जैसे किसी हाथ ने उन्हें छुआ और वो उसी वक्त ठीक हो गई। मेरी माँ हमारे पूरे परिवार में से पहली विश्वासी थी। तब समय बीतता गया, मैं बड़ा होता गया। मैं हमेशा पिता की कार की चाबी उठा लेता था। जब मेरे परिवार के लोग घर पर नहीं होते थे, एक दिन मैंने ऐसा ही किया। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था। मैंने चुपचाप कार की चाबी ली और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी दूर तक कार चलाना शुरू किया, क्योंकि मुझे कार चलाना पसंद था। बस एक मैं एक छोटी सी राइड के लिए गया था। मैंने कार को तेज़ चलाना शुरू किया क्योंकि ये मेरा शौक था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे। जब मैंने कार की रफ्तार बढ़ाई तो कार मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उस दिन मैंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी। तभी मेरी कार पलट गई। हम पेड़ों से टकराने पर थे। तभी मैं कार से बाहर गिर गया और मेरे दोस्त भी। हम सब को कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि जब मैं कार से बाहर गिर गया था तब मुझे अपने ऊपर 3-4 टिमटिमाते हुए तारे से दिखाई दिए। मैं अब जानता हूँ कि वो एंजल थे। जब मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया तो मैंने शराब पीनी शुरू कर दी, ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। तब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ चर्च में गया। चर्च में से आने के बाद मैं अपने कमरे में गया। मैं वहाँ अकेला था तो मैंने कमरे में बैठे ऊपर की तरफ देखकर कहना शुरू किया, परमेश्वर मैं पाप से निकलना चाहता हूँ। मैं इसी ज़िंदगी और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मुझे पता है इससे निकलना मुश्किल है, पर मैं एक पाखंडी भी नहीं बनना चाहता हूँ जो पहले ये कहे कि यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ और बाद में तुझे छोड़ दे। पर मैंने कहा, परमेश्वर आज मैं तुझे मानूँगा और तेरा पीछा करूँगा। उस समय मेरे कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए थे, पर बाद में सारा रात सोने के बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं पवित्र आग से भर गया था। उस दिन मेरी बाइबल पढ़ने की प्यास ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मानो मैं पढ़ता ही जा रहा था। उस दिन मैं शराब और नशे से बिल्कुल फ्री था। और एक दिन की बात है, मैं शहर में एक चर्च की बड़ी मीटिंग में गया। वहाँ स्टेडियम भरा हुआ था। वहाँ एक परमेश्वर की दासी प्रचार कर रही थी। वो कह रही थी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को मिले। मैं भी चाहता था कि वो जो कह रही है वो पूरा हो। वो कह रही थी, घुटने टेको। मैंने घुटने टेके और वो कह रही थी, पवित्र आत्मा यहाँ बहे। मैं जानता हूँ कि वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तभी कुछ पलों बाद बहुत तेज़ हवा चली और लोग पवित्र आत्मा से भर गए। वहाँ सचमुच एक बहुत तेज़ हवा चल रही थी कि लोगों के खराब बाल भी खराब होने लगे और वहाँ चीज़ें उड़ने लगी और मैं आग से भर गया। मेरे अंदर आनंद आ गया और ये ऐसा 3 दिनों तक रहा। और कुछ दिनों बाद मैं एक मीटिंग में गया जहाँ मुझे परमेश्वर के दास मिले। उनका नाम बॉबी था। मुझे पूरा नाम तो नहीं पता, पर उनका नाम बॉबी था। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे आत्मिक बेटे बनोगे? उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक यूरोप की मीटिंग में। वहाँ उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बात जो मुझे याद है, उन्होंने मुझे एक ड्रीम बताया था कि वो सपने में प्रचार कर रहे थे और लोगों को उद्धार के लिए अंगीकार करवा रहे थे।
तभी उन्हें एक ऊँट जैसा जानवर मिला जिसे लामा कहते हैं। वो उस पर चढ़े और गिर गए और वो अपने सपने से उठ गए और सोचने लगे कि वो क्या था। तभी वो चलने लगे तो देखा कि जो कपड़े उन्होंने सपने में पहने हुए थे वो उनके कमरे में पड़े हुए थे बेड के पास, और उस जानवर के बाल लगे हुए थे। सचमुच ये असली बात है। तब पास्टर बोबी, जो मेरे मेंटर थे, अगर वो कहने लगे, अगर तुम सुपर नेचुरल एक्टिविटी महसूस करना चाहते हो तो लोगों को गवाही सुनाओ कैसे परमेश्वर काम करता है। जो भी जहाँ भी तुम्हें मिले उसे बताओ, फिर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा। तो एक दिन मैं एयरप्लेन में था, मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। मैं उसे गवाहियाँ सुना रहा था कैसे परमेश्वर चंगा करता है। जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो मेरा भाई हमें लेने के लिए आया। वो कार चला रहा था और मैं उसके साथ आगे बैठा था और मेरा दोस्त पीछे बैठा था। मैं गवाहियाँ सुन रहा था, वो सुना रहा था, और हम हाईवे पर थे, कार चल रही थी। तभी मेरा दोस्त जो पीछे बैठा था चिल्लाने लगा कि देखो, मैं इस आदमी को जानता हूँ जिसे मैं खिड़की से देख रहा हूँ आंगन में घास काटते हुए। वो अपनी खिड़की से देख रहा था। जब हमने उसकी तरफ पीछे देखा और आगे देख फिर आगे देखा, मानो सारी जगह बदल चुकी थी, मानो हम किसी शांत शहर में और उसकी गलियों में घूम रहे हों। और अचानक क्या हुआ, फिर वहीं आ गए जहाँ हम पहले थे, हाईवे पर। जब मेरे पीछे बैठे दोस्त ने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया और कहा, क्या तुम घास काट रहे हो? तो उसने कहा, ये सचमुच दर्शन है जो तुमने देखा है। हाँ, मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं घास काट रहा हूँ। और हम सब हैरान हो गए क्योंकि वो जगह कोई 1,000 किलोमीटर, कई 1,000 किलोमीटर दूर थी जहाँ हम कार चला रहे थे। वो सचमुच असाधारण दृश्य था। एक दिन मैं घर पर था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि यीशु, मुझे आपसे मिलना है फेस टू फेस। तभी यीशु मेरे सामने आए। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने मुझे अपना दिल दिखाया, वो आग की तरह जल रहा था। तब उन्होंने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और मेरी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा के गिफ्ट खुल गए। फिर मैंने परमेश्वर की सेवा करनी शुरू की। अब मैं चर्च का पास्टर हूँ, चर्च में अद्भुत काम होते हैं। अब मैं चर्च में पास्टर हूँ, चर्च में अद्भुत काम होते हैं, जैसा कि बहरे सुनते हैं, रीढ़ की हड्डी ठीक होती है, कैंसर जाते हैं, बहुत से काम। हे दोस्तों, अगर आपकी कोई टेस्टमनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर 2-3 लाइनों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूँ जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे की मदद करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनके लिए, ताकि सबकी ज़िंदगी में गवाही आए, ताकि परमेश्वर का हाथ सब देख सकें और केवल उसी के नाम को महिमा मिले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।